उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में जबरदस्त उबाल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और हत्याकांड को लेकर कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर ले ऑर्डर में फेल होने के आरोप लगाए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था फेल हो गई है और आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही कहा कि सत्ता में बैठे लोग अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हत्याकांड हमारी देवभूमि में हुआ है, ये पहली बार एक ऐसी घटना है जो हम लोग देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए जाने के लिए हमारी सरकार ने एक फास्ट ट्रैक बनानी चाहिए और इस फास्ट ट्रैक के अंदर जो है फैसला होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। इसकी सजा सिर्फ यही है, एक मासूम बच्ची जो अपने घर के परिवार को चलाने के लिए किसी जगह दूर रहकर काम कर रही है, उस बच्ची के साथ इस तरीके की जो एक घृणित जो कार्य हुए हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। देखिए, हम आज हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता के जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, ये एक हत्या नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है, गुंडे बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं क्योंकि मंत्रियों की सह पे शासन में बैठे हुए लोगों की सह पे ये सारे काम हो रहे हैं। आज अगर भर्ती घोटाला हो या कोई और घोटाले हों, सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त हैं और मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली लोग हैं उनको कानून का कोई डर नहीं रह गया है और इस तरीके से आए दिन घटनाएं होती हैं, हम इसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।